रे महाराज। उत्तान पाद ने मना किया लेकिन सुनीति नहीं मानी। बाल हट और त्रिया हट बहुत बुरी हुआ करती है। बोले वाले भाइयों, बाल हट और त्रिया हट, अगर त्रिया हट कर जाए तो बहुत बुरा हो जाता है। महाराज उत्तान पाद मजबूर हो गए के रानी की उस बात पे भाई नरपति मजबूर और सोरच सुंदरी के संग भवो विवाह मंजूर। महाराज उत्तान पाद मजबूर हो गए रानी की बातों पे। महाराज उत्तान पाद ने अपना दूसरा विवाह सुरची नाम की लड़की के साथ में किया। डोली में बैठी महाराज उत्तान पाद अयोध्या के लिए वो नई दुल्हन को लेके आए। जब नई दुल्हन अयोध्या में जब प्रवेश हुई, सभी नर नारियों ने सुना, खुशी के ढोल बजने लगे। महाराज उत्तान पाद दूसरी शादी करके लाए, हुआ क्या?
आ रही है और हुआ क्या छोटी बहना